Hello everyone, myself Rajkumar Mina, MBBS student, and now in this video we discuss about the dwarfism. Dwarfism means होता है बोनापन. बोनापन दो तरीके से होता है, एक तो thyroid hormone की कमी से, एक होता है pituitary hormone की कमी से. Thyroid hormone की कमी से होता है उसे बोलते हैं kittenism. उसमें होता है mental retardation और size भी छोटा होता है. लेकिन जो pituitary hormone की कमी से जो बोनापन होता है उसमें mental retardation नहीं होता, मतलब mentally ठीक होता है, बस size ही कम होता है. तो ये दो तरीके के डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और एक होता है हार्मोनल डिसऑर्डर. अपन यहाँ पे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच प्रायर टू क्लोजर ऑफ द एपिफाइजर प्लेट्स. एपिफाइजर प्लेट्स के बंद होने से पहले ही अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए तो इसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है, या फिर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सिक्रेशन इज एबनॉर्मल. आईजीएफ का सिक्रेशन कम होने पर भी ड्वार्फिज्म हो जाता है. ये टू टाइप्स के ड्वार्फिज्म होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म एंड प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म. डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म मींस इन दिस ड्वार्फिज्म शॉर्टर आर्म्स एंड लेग्स और ए शॉर्टर ट्रंक विद लॉन्गर लिम्स. इस ड्वार्फिज्म में हाथ और पैर और ट्रंक वगैरह तो छोटे होते हैं, जो लेकिन जो लिम्स होते हैं वो बड़े होते हैं. प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में द बॉडी पार्ट्स आर प्रोपोर्शनेट बट शॉर्टर, मतलब पूरे बॉडी पार्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब सारे सारे छोटे होते हैं. एंड फिर बात करें डायग्नोसिस. डायग्नोसिस ऑफ ड्वार्फिज्म, सम फॉर्म्स ऑफ ड्वार्फिज्म आर इविडेंट इन यूटेरो एट बर्थ और ड्यूरिंग इन्फेंसी, सो वी कैन डायग्नोस थ्रू एक्सरे और फिजिकल एग्जाम. कुछ तरीके के ड्वार्फिज्म होते हैं वो यूटेरो, मतलब यूटेराइन स्टेज और बर्थ के टाइम पे, और इन्फेंट होते हैं ना उस टाइम पे भी इविडेंट हो जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं, तो उन्हें अपन वहाँ पे पता कर सकते हैं अपन एक्सरे और फिजिकल एग्जाम के द्वारा. और एक होता है जेनेटिक टेस्टिंग और पेरेंटल टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग मतलब जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से भी ड्वार्फिज्म हो जाता है तो उसके द्वारा पता कर सकते हैं, या पेरेंटल टेस्टिंग मतलब पेरेंट्स भी ड्वार्फिज्म हो तो मतलब क्योंकि ये तो जेनेटिकल होता है ना, तो वहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं. और अगला ट्रीटमेंट ड्वार्फिज्म क्या क्या ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटेड विद ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को देकर, ग्रोथ हार्मोन की वजह से तो ड्वार्फिज्म होता है, अगर अपन ग्रोथ हार्मोन को दे दे तो ये ठीक हो जाता है. लेकिन ग्रोथ हार्मोन देना कब है, जब एपिफाइजल प्लेट्स बंद ना हो उससे पहले. और दूसरा फिजिकल थेरेपी टू स्ट्रेंथ मसल्स एंड इंक्रीज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन. फिजिकल थेरेपी देके, और एक था न्यूट्रिशनल गाइडेंस, मतलब अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह देके, और एक कहता है एक्सरसाइज, मतलब अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह देके ट्रीटमेंट किया जा सकता है. थैंक यू.